अब हम जो डिस्कशन करते जा रहे हैं सरोगेट कीज की, इन द फॉर्म ऑफ एग्जांपल्स करेंगे। यानी इससे पहले हमने कुछ डिफाइन किया था कि सरोगेट की क्या होती है। ये नॉर्मली पर्पसफुल होती है, ऑन डिमांड बेसिस पे इसको डिसाइड किया जाता है, आर्टिफिशियल इसको कहा जाता है, और इसी तरीके से ये नॉर्मली हिडन होती है फ्रॉम द यूजर्स। यूजर्स के लिए मीनिंगफुल भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो मोस्टली यूजर इसकी केयर नहीं करता। जैसे हमने रिसेंटली डिस्कस किया है कि प्रॉपर्टी आईडी या फाइल नंबर जो है वो यूजर के लिए तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए है। यूजर नॉर्मली अपनी सर्च जो है वो प्लाट नंबर और एड्रेस या सिटी स्ट्रीट से फाइंड आउट कर सकता है, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के लिए लाजमी की चाहिए। और दूसरे ये है कि प्राइमरी की हर टेबल में लाजमी होनी चाहिए, दिस इज वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक्स। जितनी प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स प्राइमरी कीज की हैं, वही प्रॉपर्टीज करेक्टरिस्टिक्स जो है वो सरोगेटेड कीज की हैं। तो सरोगेटेड कीज के मोर एग्जांपल्स हम इसमें डिस्कस करेंगे, जिसमें हम एटीएम और इंश्योरेंस की एग्जांपल्स लेंगे, ऑर्डर और इनवॉइसेस की एग्जांपल्स लेंगे, और इसमें देखेंगे कि हमारे पास कितनी इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स आती हैं और कहां कैसे इसको हम यूज कर सकते हैं। एटीएम की हमारे पास जो ट्रांजेक्शन्स हैं उसमें ये मैनेज किया जा रहा है कि हमारे पास एक कार्ड है, आप उस कार्ड को एटीएम मशीन के अंदर डालते हैं, इंसर्ट करते हैं, और उसके बाद उसका पिन नंबर इंटर करते हैं, वो एक्सेप्ट करता है, और जितनी आप मनी इसमें से चूज करते हैं वो इसमें से बाहर आती है डिस्पेंसर के थ्रू। इसका मतलब यह कि आपने एक ट्रांजेक्शन परफॉर्म की है। जब आप ट्रांजेक्शन परफॉर्म करते हैं तो आपको कुछ कॉलम चाहिए होते हैं। ये नॉर्मली डेटाबेस डिजाइनर के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, डीबीए के लिए शायद इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन डीबीए के लिए नॉर्मली इतनी चीज जरूर चाहिए होती है कि हमारे पास सफिशिएंट नंबर ऑफ कॉलम होने चाहिए, ताकि कल हम जब डाटा को लोड करें या डाटा को एक जगह से दूसरी जगह मूव करें तो इनकम्प्लीट डाटा नहीं होना चाहिए। तो नॉर्मली डिजाइनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डीबीए नॉर्मली इन चीजों को केयर नहीं करता, लेकिन डीबीए के पास अगर कॉलम ज्यादा आ जाते हैं तो वो डिजाइनर के साथ डिस्कशन कर सकता है। तो एक कार्ड जो है वो बहुत मैनी टाइम्स यूज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि कार्ड जो है वो पहली दफा यूज हुआ, दूसरी दफा यूज हुआ, तीसरी दफा, तो सीरियल नंबर 0001 करके आप उसको यूज कर सकते हैं, और फिर ये ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड जनरेट करता है डेटाबेस के अंदर, और अमाउंट जो है वो विड्रॉ होती है, फिर ड्रॉ डेट आती है। अच्छा, ये किस मशीन से आपने पेमेंट निकाली है, तो मशीन नंबर इसके लिए चाहिए होगा। इसी तरीके से आपको कोई स्टेटस चाहिए होगा कि वो कार्ड जो है वो इजेक्ट नहीं हुआ है, तो मैकेनिकली डेटाबेस के अंदर सेव हो जाएगा कि वो ट्रांजैक्शन जो है वो मैनेज नहीं हुई है, या वो अमाउंट आपको नहीं मिली है। बाज़ दफ़ा आप अपनी अमाउंट इंटर करते हैं, वो टेक्निकल वजह से डिस्पेंसर अमाउंट जो है वो बाहर नहीं आपको देता, बल्कि वो वहीं पर स्टक हो जाता है या वहां पर फंस जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि वो अमाउंट क्या आपके अकाउंट में रिफंड हुई है कि नहीं हुई है। तो बाज़ दफ़ा आपको बाद में SMS आ जाती है, द अमाउंट हैज़ बीन रिफंडेड बैक टू योर अकाउंट, तो आपका बैलेंस जो है वो नॉर्मल हो जाता है। तो इसके लिए आपको मोर कॉलम्स चाहिए, जो कि मैं दोबारा आपको रिपीट कर देता हूँ कि ड्रा अमाउंट आपके पास है, ड्रा डेट आपके पास है, मशीन नंबर आपको चाहिए, ट्रांजेक्शन टाइप आपको चाहिए होगी। उसका मतलब क्या है, आप अमाउंट एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं, उसके लिए आप एक कोड बना लें जैसे T4 ट्रांसफर। इस तरीके से आप कैश निकालें C4 कैश। तो जो ट्रांजेक्शन लिखी हुई होगी उसमें पता होना चाहिए कि ये क्या अमाउंट ट्रांसफर हुई है या इसको एज ए कैश इजेक्ट या डिस्पेंस आउट किया गया है। इस वजह से इन मल्टीपल कॉलम्स की इन्फॉर्मेशन इनफ होनी चाहिए आपकी कंप्लीट एग्जांपल के लिए। तो ये आपके पास कंपोजिट की बनती है। तो रेड कलर में जो आपके पास अंडरलाइन कॉलम दिया हुआ है सीरियल नंबर, दैट इज कॉल्ड सरोगेटेड की विद द कार्ड नंबर। तो ये सीरियल नंबर हर कार्ड के लिए 001 से शुरू होगा। ये वो कॉलम्स हैं जो कि हमें इस फॉर्म में चाहिए होंगे, जो कि मैंने आपको अभी बताए हैं। और ये कॉलम जो है वो जैसे लिमिट बैलेंस भी आ सकता है, स्टेटस भी आ सकता है, टाइप भी आ सकती है। अब हम कुछ एग्जांपल्स को एक्सटेंड करते हैं। इंश्योरेंस पेड, व्हाट इज इंश्योरेंस? इंश्योरेंस इज नॉर्मली पेड ईयरली बेसिस इन एडवांस। तो इसका मतलब यह कि हर साल आपको इंश्योरेंस पे की जाती है, आप पे करते हैं किसी इंश्योरेंस कंपनी को। उसके लिए आपको एक टेबल चाहिए होगा जिसके अंदर आपको कॉलम चाहिए होंगे। इसका मतलब यह है कि एक पॉलिसी बनाई जाती है, यानी हर काम के लिए एक पॉलिसी होती है। काम का मतलब क्या है
کہ آپ نے انشورنس گاڑی کے لیے لینی ہے تو آپ لکھیں گے پالیسی نمبر دس فور کار. اسی طریقے سے آپ کہیں گے آپ کو انشورنس جو ہے وہ گھر کے لیے چاہیے, آپ لکھیں گے پالیسی نمبر دس فور ہاؤس, ہاؤس نمبر ون, ہاؤس نمبر ٹو, یعنی ایک پرٹیکولر آپ کو ایک پرائمری کی دینی پڑتی ہے اور یہ ویل ڈیفائنڈ ہوتی ہے. یہ سرٹیفکیٹ کی نہیں ہے, یہ آرگنائزیشن کی اپنی پرائمری کی ہے, جسٹ لائک اے رول نمبر. تو ہم اس کو کیسے مینج کریں گے؟ تو آپ لکھیں گے جی پالیسی نمبر, پیڈ ایئر یعنی کس ایئر میں ہوئی ہے. اب آپ کے لیے اس کے لیے ایک نیا ٹیبل آپ کو چاہیے ہوگا, وہ ہوگا پالیسی کے نام سے ٹیبل, یعنی یہ پالیسی نمبر کہاں سے آیا ہے, کس کام کے لیے آپ نے انشورنس لی تھی, لائف لائف ڈیتھ پرپز کے لیے لی تھی, گاڑی کے لیے لی تھی, گھر کے لیے لی تھی. تو اب آپ اس جو آپ نے لے لی ہے وہ ایز اے فورن کی استعمال ہو رہی ہے یہاں پہ, جو کہ ہم بعد میں پڑھیں گے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم پیڈ ایئر کی فارم میں بھی اس کو کر رہے ہیں, کیونکہ ہر سال آپ نے دینی ہے. 2005 میں آپ نے کی, 2006 میں دی ہے, اب پیڈ ڈیٹ آپ نے کرنی ہے کب آپ نے پے کی ہے اور اماؤنٹ ہے. اب میں آپ سے تھوڑا سا یہ کوشچن کروں گا, اپنے مائنڈ میں تھوڑا سوچیں ہمیں کون سے اور کالم چاہیے تاکہ یہ ایگزامپل ہماری کمپلیٹ ہو سکے. اب یہ جو کالم ہے ان کالمس کا میننگ یہ ہے کہ ہمیں مور کالمس چاہیے. کون کون سے کالمس ہو سکتے ہیں, ابھی آپ نے تھوڑا سا سوچ لیا ہوگا. ان کالمس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیو ڈیٹ کب دینی تھی آپ نے انشورنس, یعنی آپ نے کب پیمنٹ کرنی تھی اور کب آپ نے کی ہے وہ پیڈ ڈیٹ آ گئی. اس کے بعد کتنی اماؤنٹ دینی تھی لیکن دی آپ نے کتنی ہے, ڈیو اماؤنٹ ہے, اس کا مطلب ہے آپ نے 5000 دینی تھی, اس سال آپ کے پاس پیسے کم تھے, آپ نے 4000 دے دیے, یا آپ کے پاس اس ٹائم پیسے زیادہ تھے, رقم زیادہ تھی, آپ نے کہا چلو میرے پاس زیادہ ہے میں 5000 کی جگہ 6000 دے دیتا ہوں. تو بیلنس ہونا چاہیے, پلس اور مائنس میں آ سکتا ہے. اگر آپ نے اوور پیمنٹ کیا تو پلس ہو جائے گا, انڈر پیمنٹ کیا تو مائنس ہو جائے گا, کچھ فائن چارجز آ سکتے ہیں. تو دیز آر دی ایڈیشنل کالمس ریکوائرڈ فار دس پرٹیکولر ایگزامپل. اسی طریقے سے آپ کے پاس ڈفرنٹ قسم کی کیز ہیں اور کیز کا مطلب یہ ہے کہ ان کے آرڈرنگ چاہیے. اب یہ دیکھیں ہمارے پاس جو آرڈرنگ ہے وہ اس فارم میں ہے, پہلے پیشنٹ ہے پھر وزٹ ہے. اگر ہم اس کو کہتے ہیں جی کہ وزٹ نمبر پہلے آ گیا, پیشنٹ آئی ڈی بعد میں آ جائے گا, تو پھر آپ کے لیے تھوڑی سی پرابلم کریٹ ہو جائے گی. یعنی 111 آپ کریں گے تو یہ ہو جائے گا 558471 اور پھر آپ کے پاس آ جائے گا 58921 اور یہ آپ کی آرڈرنگ ساری کی ساری فنش ہو جائے گی. جب آپ اس کالم کے اوپر سرچ کریں گے تو یہ سلو ہو جائے گی. آرڈرنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور فکس لینتھ ضروری ہے. تو یہ ایگزامپل آپ کے لیے بیٹر سولوشن ہے جبکہ یہ ایگزامپل آپ کے لیے بیٹر سولوشن نہیں ہے, کیونکہ آپ کا 1 سے 1 لینتھ ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس لینتھ انکریز ہو جاتی ہے. تو دس از ہاؤ یو کین مینج دی تھنگس آن دی بیسس آف انڈیکسنگ اینڈ دی سیروگیٹڈ کی.